क्यूबॉइड की कुछ एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है? ठीक, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में, ठीक है। जो जैसे कि ये कोई क्यूबॉइड है, इसमें ये हो गई मेरी लेंथ है ना, ये हो गई ब्रेथ, और अगर ये लेंथ ब्रेथ है तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्यूबॉइड की हाइट, ठीक है। ये क्या होती है क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना। पर अगर अगर ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ जो ब्रेथ और हाइट को डिनोट करने का क्या सिंबल रहता है, लेंथ को हम डिनोट करते हैं इससे एल से, ब्रेथ को बी से और हाइट को स्मॉल एल से, ठीक है। तो अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में बराबर हो जाए तो सच क्यूबॉइड, ऐसे क्यूबॉइड को मैं क्या कहता हूँ, क्यूब। ऐसा क्यूबॉइड ही हमारा क्या कहलाता है, क्यूब। तो ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो, है ना, मतलब उसके जितने भी हमारा छह रेक्टेंगुलर रीजन से बना हुआ होता है तो उसकी पूरी साइड्स जो होती है वो क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे क्यूबॉइड को मैं क्या बोलूँगा, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब की बहुत काफ़ी प्रॉपर्टी, अगर क्यूब के बारे में आपको कुछ भी निकालना है तो जो क्यूबॉइड के से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसमें आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए बन जाएगा, है ना। तो क्यूब के लिए आपको स्पेशल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्यूब के बारे में सब कुछ पता है तो उसमें बस आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को इक्वल कर दीजिए, ठीक है, तो उससे आप क्यूब के बारे में बता सकते हैं। यही हो गया हमारा क्यूब के बारे में। पढ़ने वाले हैं पिरामिड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिरामिड की डेफिनेशन। पिरामिड की डेफिनेशन क्या है, पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बेस, ठीक है। तो पिरामिड ऐसा सॉलिड है जिसका बेस एक रेक्टिलिनियर फिगर है, ठीक है। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब या फिर रेक्टेंगल, पेंटागन, कुछ भी है ना, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पेंटागनल हो सकता है, कोई भी तरह का पॉलीगन हो सकता है, ठीक है, और वो प्लेन है ना। तो उसका बेस है वो तो क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर है, और जो उसके साइड फेस है, वो क्या है, ट्राइंगल्स है, उसके क्या है, ट्राइंगल्स है, हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बेस। तो ये अगर प्लेन ऑफ द बेस है, उस प्लेन के आउटसाइड एक क्या है, कॉमन वर्टेक्स, जहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर साइड फेस है वो क्या मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जैसे कि आपने पिरामिड देखे होंगे, इजिप्ट के पिरामिड आप जानते हो ना, इजिप्ट के पिरामिड, तो जो वो पिरामिड होते हैं, वो बड़े बड़े पिरामिड होते हैं, उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उनमें बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बेस रहता है और जो ट्रायंगुलर फेस होते हैं वो ऊपर मिल रहे होते हैं, ठीक है, वो ऊपर एक वर्टेक्स पे मिल रहे होते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है उस प्लेन के, तो ये भी क्या हुआ, एक पिरामिड हुआ, कैसे, क्योंकि इसका बेस है वो क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर है, है ना, और इसके जो साइड फेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, है ना, और एक ये जो ट्रायंगुलर जितने भी साइड फेस है वो सब एक कॉमन वर्टेक्स पे जाकर मिल रहे हैं, ठीक है। और तो यही जो क्या है, पिरामिड की डेफिनेशन है। और एग्जांपल ले हम अगर, हाँ, कोई बड़ा टेंट है ना, तो जैसे कि टेंट होता है कोई, मान लो आप कहीं बाहर गए हो, आपने टेंट लगाया है, ठीक है, तो जो टेंट रहेगा उसका बेस होगा जो ज़मीन होगी वो तो क्या होगी, इरेगुलर शेप की होगी, ठीक है, वो इरेगुलर कुछ शेप की है। लेकिन जब हम टेंट बनाते हैं तो जो मतलब जितने भी वो रहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो भी हम टेंट लगाते हैं तो ऊपर जाकर सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है, उसकी हर एक साइड पर एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे जब हम कोई टेंट लगाते हैं तो बेस जो क्या होता है, उसमें रेक्टिलिनियर फिगर होता है, ज़मीन होती है, तो उसमें मतलब कोई किसी भी तरह का पॉलीगन हो सकता है, वो आप चाहो रेक्टेंगल टाइप का बना सकते हो, पेंटागन टाइप का बना सकते हो, हेक्सागनल टाइप का बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। पर उसमें खासियत क्या रहेगी कि जो उसकी साइड फेस है, वो क्या रहेंगे, ट्रायंगुलर रहेंगे, और जो ऊपर जो है वो उस जितने भी ट्रायंगुलर है साइड फेस है वो सभी ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, है ना। तो ये हो गया पिरामिड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पिरामिड के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर का देखिए, जैसे हमने ये फिगर बना रखा है, सिलेंडर ये होता है, और अगर आपको इसका फिगर
विजुलाइज करना है तो आप लोग देख सकते हैं ड्रम को, ड्रम्स को, और आप देख सकते हैं जार को, और आप देख सकते हैं पाइप्स को, पाइप्स एक्सेट्रा। ये सब क्या सिलेंडर के एक्सट्रीम एग्जांपल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिलेंडर्स के बारे में इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं क्या होती है। पहली टर्मिनोलॉजी है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस। देखिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेरा ये है, लेट मी शो यू, मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये वाला है, ठीक है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेरा ये वाला है, ठीक है। इसका सेंटर कोई ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कोई सेंटर होगा यहाँ पे, यहाँ इसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, अपनी सेकंड टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल, ये क्या होता है? राइट सर्कुलर सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या होता है? That's when axis is perpendicular to circular cross section। जब ये axis जो होती है ये perpendicular हो जाएगी, यानी cross section जो है ये, suppose करें ये अगर मेरी कोई line है, ठीक है, cross section अगर ये perpendicular हो गई, axis जो है मेरी ये cross section के perpendicular हो गई, तो हम लोग इसे बोलेंगे कि right circular cylinder है ये, ठीक है। अपनी third property जनरल, हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि जनरेटर्स क्या होते हैं। जनरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, जनरेटर इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड लाइंग ऑन द लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस क्या होती है? ये देखिए, ये जो साइड में सर्कुलर सरफेस आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, सरफेस, ठीक है, ये सर्कुलर सिलेंडर जनरेटर। अच्छा, अब चौथी अपनी प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी बेस क्या होता है? देखिए, बेस जो मैंने यहाँ पे येलो कोट कर रखा है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। उसके बाद हाइट, रेडियस, ऑब्वियसली रेडियस जो इस बेस की रेडियस होगी इसको रेडियस बोलेंगे यार, और हाइट ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है एच, ठीक है। वो देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, देखिए हम लोग यहाँ फिगर देख बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया, ये सर्कुलर लेटरल सरफेस का सरफेस एरिया, और ये क्रॉस सेक्शन का सरफेस एरिया। तो जब हम इन तीनों का सरफेस एरिया निकालेंगे और सम करेंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा पाई आर एच, वेयर आर इज द रेडियस ये, और एच हमारी हाइट है, ठीक है। अब हम इसका वॉल्यूम देखेंगे क्या था, वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है वी से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। ये दो मेंसुरेशन में बहुत यूज होने वाले, वाइडली यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कोण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोण के बारे में। देखिए, कोण क्या होता है? कोण का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं टेंट हाउस, सर्कस टेंट हाउस जो होता है, सर्कस टेंट हाउस जो होता है, टेंट हाउस, टेंट जो होता है, वो कोण का ट्रिमेंडस एग्जांपल है। कि इसकी टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ये मेरा बेस है, ये बेस होता है, ये सर्कुलर जो देख रहे हैं ये बेस है मेरा, ठीक है, ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बेस का सेंटर, ठीक है, और ये लाइन जो देख रहे हैं, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है। हाइट ऑफ ये एच जो डिनोट कर रही है, उसे कहते हैं हाइट ऑफ द कोन। स्टेंट ऑफ द
स्टैंड हाइट क्या होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं। ये जो हाइट होती है ये साइड वाली, इसको बोलते हैं स्टैंड हाइट, ये एल से डिनोट करते हैं इसको। और ये होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा ये रेडियस है आर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगी और कुछ नहीं। राइट सर्कुलर कोन कौन से होते हैं, राइट सर्कुलर कोन्स होते हैं जहाँ पे ये एक्सिस का ये जो एंगल है, ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग उसे बोलेंगे कि ये कोन कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसके होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है, जो कर्व है ये, इसको सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जस्ट अ मिनट आई शुड राइट इट प्रॉपरली, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल, पाई आर एल, एल मेरी ये लेंथ है, पाई हम जानते हैं और आर ये मेरी रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम जब बेस का सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने बताया, हम कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का सरफेस एरिया यानी एरिया जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे स्फीयर के बारे में। पढ़ने वाले स्फीयर के बारे में, स्फीयर क्या होती है, ठीक है। तो स्फीयर की डेफिनेशन होती है, इट इज द सेट ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। जो स्फीयर क्या होती है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंस पर हो, जो कि सभी किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। तो इससे लेट अस सपोज आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जो फिक्स पॉइंट है, इससे आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा उसे मैं क्या बोलूँगा, स्फीयर, ठीक है। तो मतलब जैसे कि बॉल होती है, आपकी बॉल होती है, वो क्या, उसकी शेप क्या होती है, स्फीयर। उसमें भी कहीं ना कहीं एक सेंटर पर एक ऐसा फिक्स पॉइंट रहा होगा और जिसमें ऐसे जिसके इक्वी डिस्टेंस पर, ठीक है, जो जिसके इक्वी डिस्टेंस पर ये सब पॉइंट्स रहते हैं, जो आपकी जो बॉल के आउटर बाउंड्री रहती है वो पॉइंट्स का कलेक्शन होती है, ठीक है। तो वो जो बॉल की शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। और जो स्फीयर की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। अब स्फीयर के बारे में कुछ बातें हैं कि जो ये ओपी होती है, ये जो ओपी है, ओपी या फिर सेंटर से जो स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या बोलता हूँ, रेडियस, स्फीयर, है ना। और ये क्या होती है, जो स्फीयर होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल रहती है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो मैं ओपी मान रहा हूँ, इस तरह से पी की तरह मैं कोई और पॉइंट मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने पी डैश ले लिया, तो ये जो ओपी है ये ओपी डैश के बराबर होगी। इस तरह से मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ उस पूरी स्फीयर पे, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस स्फीयर के बारे में समझ में आ गया होगा। पेरीमीटर एंड एरिया क्या होते हैं एंड क्यों हम निकालते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। सिक्स्थ क्लास तक हम ये देख चुके हैं पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है एंड एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। से हमारे पास एक घर है,
एक घर है, तो घर की बाउंड्रीज की लेंथ कितनी है, मतलब हमें अगर से घर के आजू बाजू दीवार बनानी है तो हमारे पास जो भी प्लॉट है, ये अगर हमारा प्लॉट है तो इसके अबाउट बाउंड, अगर हमें बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है यहाँ पे, ऐसे हमें बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है तो कितना हमें ब्रिक लगेगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना ब्रिक लगेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एल ई एन सी टी एच, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बी ओ यू एन डी ए आर वाई, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अब इसमें क्लोज्ड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ क्लोज्ड फिगर के लिए पेरीमीटर डिफाइंड होता है, ओपन फिगर के लिए पेरीमीटर डिफाइंड नहीं होता। सिमिलरली एरिया भी क्लोज्ड फिगर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो ये लेंथ है जो मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज इक्वल टू द पेरीमीटर। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो फिर हम इसके मदद से पता कर लेंगे हमें कितनी हमें ये पता है कि हमें कितने हाइट की वॉल चाहिए एंड कितने थिकनेस की वॉल चाहिए। तो हमें हाइट एंड थिकनेस पता है एंड हमें टोटल लेंथ ऑफ वॉल भी पता चल जाएगा। अगर ये ब्लू लाइन को मैं इस एंड से खोल दूँ तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर लगा दूँ तो हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी। टोटल लेंथ हमारे ये प्लॉट जो है हमारी उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी एंड हमें पता है हमें कितने हाइट की वॉल चाहिए, कितने हाइट की वॉल चाहिए हमें पता है तो हाइट ऑफ द वॉल आ जाएगा। एंड हमारे पास थिकनेस हमें पता है हमें कितनी थिक वॉल बनानी है, तो हमारे पास हाइट आ चुका है, हमारे पास थिकनेस है एंड हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। अगर ये एक लेंथ है एंड ये स्क्वायर है, अभी ये हम आपको बाद में बताएंगे कि स्क्वायर का एरिया पैरामीटर क्या होता है, पर से अगर ये चारों लेंथ है तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4L। तो ये लेंथ, ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। एंड एरिया क्या होता है, रीजन एनक्लोज्ड, REGION, रीजन, एक्सक्यूज मी, रीजन की स्पेलिंग गलत लिखी, REGION, रीजन एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड फिगर। तो हम बोलते हैं कि हमारा प्लॉट, यहाँ फिगर की स्पेलिंग है FIGUR, तो एक क्लोज्ड फिगर कितना रीजन एनक्लोज कर रहा है उसके बाउंड्रीज के बीच में, इज कॉल्ड एरिया। जैसे ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ, ये रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ, इज द एरिया ऑफ दिस फिगर जो हमने बनाया है, इसका ये एरिया हो जाएगा। तो रीजन एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब हम बोलते हैं हमारा प्लॉट 2200 से फीट स्क्वायर का है, 2200 स्क्वायर फीट का है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास खेत है 100 मीटर स्क्वायर के। तो ये जो मीटर स्क्वायर एंड फीट स्क्वायर है, ये यूनिट्स है मेजरमेंट की, एरिया के, क्योंकि ये हमें बता दें कितना रीजन है हमारे पास, कितना रीजन हमारे प्लॉट का रीजन क्या है, या हमारे प्लॉट की जो बाउंड्रीज है वो कितना रीजन एनक्लोज कर रही है। पर अब आप देख सकते हो ये जो 4L से इसकी लेंथ होती है 25 मीटर। तो आपको समझ आता है 25 मीटर का मतलब क्या होता है, हमें एक मीटर मतलब पता है, एक मीटर स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हमें पता है एक मीटर होता है, एक यूनिट लेंथ हम जो डिफाइन करते हैं वो होती है एक मीटर। इसकी डेफिनेशन स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगी, बाकी कन्वर्जन आपको मैं बताता हूँ। एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। आपको एक सेंटीमीटर कितना होता है ये पता है, तो उसका 100 टाइम्स एक मीटर होता है। तो अगर मैं आपको लेंथ बता रहा हूँ 25 मीटर है, 25 मीटर आप समझ सकते हैं एक मीटर का 25 टाइम्स होगा। तो इसी तरह जैसे हमें लेंथ के ये यूनिट्स होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लेंथ की यूनिट्स है, इसी तरह एरिया की भी कुछ यूनिट्स होती है। कुछ बहुत सिंपल होती है समझने में, जैसे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, और कुछ थोड़ी सी हार्ड होती है जो डायरेक्ट पता नहीं चलती, जैसे हेक्टेयर या स्क्वायर इंच या फिर AR करके भी एक यूनिट होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर से शुरू करेंगे। स्क्वायर
स्क्वायर मिलीमीटर का, स्क्वायर मिलीमीटर पहले ये है क्या? ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये है यूनिट, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया मेजर करने का एक यूनिट है ये। तो स्क्वायर मिलीमीटर पढ़ने से क्या पता चलता है, ये उस एक स्क्वायर का एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो इसकी एक स्क्वायर है विद साइड लेंथ 1 मिलीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया हमें क्या पता होता है, स्क्वायर अगर साइड लेंथ अगर स्क्वायर की ए है, स्क्वायर के लिए हम कर रहे हैं, एक्सक्यूज में SQUAR, स्क्वायर के लिए हम कर रहे हैं, अगर साइड लेंथ ए है तो हमें पता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल ए स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हमारा साइड लेंथ अब 1 मिलीमीटर, साइड लेंथ ये अगर हमारा 1 मिलीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, एंड मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है स्क्वायर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको 1 मिलीमीटर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा mm स्क्वायर, ये इसकी नोटेशन हो सकती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये दो इसकी नोटेशंस है, तो या तो आप इसको mm स्क्वायर लिख सकते हो, mm स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो, या आप लिख सकते हो स्क्वायर mm। तो अगर हमारे पास 50 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है, 50 स्क्वायर मिलीमीटर, एक्सक्यूज मी mm, अगर इतना हमारा एरिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 mm स्क्वायर, या मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ 50 स्क्वायर मिलीमीटर। ये दो इसके नोटेशन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर मिलीमीटर, अब स्क्वायर सेंटीमीटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पढ़ेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, हम पढ़ क्या रहे थे, हम यूनिट्स ऑफ एरिया मेजरमेंट पढ़ रहे थे, तो ये भी एरिया मेजर करने की एक यूनिट है। तो क्या है, यूनिट ऑफ एरिया, तो इसे पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। अगर एक स्क्वायर है जिसकी एज लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर स्क्वायर विथ एज लेंथ EDGH लेंथ 1 सेंटीमीटर। इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जो एरिया एनक्लोज होगा, एक स्क्वायर विथ एज लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर जितना एरिया एनक्लोज होगा इसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर METRE, तो स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, 1 सेंटीमीटर आपको पता है, अगर स्क्वायर की एज लेंथ ए है, अगर स्क्वायर की एक स्क्वायर की एज लेंथ ए है, तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया होता है ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब हम मैं क्या बोल रहा हूँ, एज लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एज लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना होता है 1, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर सेंटीमीटर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्सक्यूज मी सेंटीमीटर। तो ये दो टाइप के नोटेशंस है सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर को डिनोट करने का, एंड ये रिप्रेजेंट कितना एरिया करते हैं, एरिया दैट इज एनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ऑफ एज लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया होगा, अगर ये एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर एज लेंथ का, तो इस एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं। अब कन्वर्जन देखते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, स्क्वायर मिलीमीटर पढ़ा है। तो स्क्वायर मिलीमीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच में, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मिलीमीटर स्क्वायर, इनके बीच में कुछ कन्वर्जन फैक्टर होगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होगा एक्स मिलीमीटर स्क्वायर के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। तो इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, एंड हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। तो
तो अब ये हो जाएगा 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 एंड मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 cm² इज इक्वल टू 100 mm². तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मिलीमीटर स्क्वायर के बीच का रिलेशन। इसका मीटर के साथ कन्वर्जन देखते हैं। अगर मीटर स्क्वायर के साथ हमें कन्वर्जन देखना है तो 1 cm कितना होता है 0.01 meter होता है 1 cm। तो अगर मैं 1 cm² लिखूँ तो हो जाएगा 1 cm × 1 cm। तो ये हो जाएगा 0.01 meter × 0.01 meter। तो ये हो जाएगा 10^-2 लिखा हुआ है 10^-2 meter × 10^-2 meter। तो हो जाएगा 10^-4 m². या इसको लिख सकता हूँ 0.0001 m². तो ये हो गया 1 cm² एंड मीटर स्क्वायर के बीच का कन्वर्जन। 1 cm² इज 10^-4 m² या 0.0001 m². अभी तक हमने 1 mm² एंड 1 cm² पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 1 dm² या स्क्वायर डेसीमीटर। इसको मैं लिख लेता हूँ तो क्या होगा स्क्वायर डेसीमीटर DECIMETR। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्क्वायर डेसीमीटर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेसीमीटर क्या होता है। तो डेसीमीटर होता है 0.1 meter मतलब 10 cm। ये क्या हो जाएगा 10 cm। तो ये हो गया 1 dm इज इक्वल टू 0.1 meter इज इक्वल टू 10 cm। तो अब स्क्वायर डेसीमीटर आपको समझ आ रहा है क्या है। सबसे पहले एक तो ये एरिया की यूनिट है, तो ये है यूनिट ऑफ एरिया। एंड इसका मेजरमेंट कितना होता है स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ इज इक्वल टू साइड लेंथ 1 dm METR। और 1 dm को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 meter और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 cm। ये तीन कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए। ऑब्वियसली आप इसको मिलीमीटर के टर्म में भी लिख सकते हो, पर ये इनकी जो वेल नोन कन्वर्जन से वो है। आप इसको ऑब्वियसली मिलीमीटर में लिख सकते हो, ये 100 mm हो जाएगा, तो ये भी सही कन्वर्जन। तो ये एक स्क्वायर डेसीमीटर का डेफिनेशन हो गया। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ क्या है 10 cm। तो एक स्क्वायर है विद साइड लेंथ 10 cm, तो इसका जो एरिया इनक्लोज्ड होगा इसको हम बोलते हैं 1 square decimeter। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे, इसको स्क्वायर मिलीमीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ इसका क्या रिलेशन है ये देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे। इसको डिनोट कर सकते हैं डेसीमीटर स्क्वायर डेसीमीटर। पहले डेसीमीटर का नोटेशन ये होता है, ये किसका नोटेशन है डेसीमीटर। डेसीमीटर का नोटेशन है EDM। तो 1 dm² इस तरह से डिनोट कर सकते हो, या आप डिनोट कर सकते हो इसको स्क्वायर डेसीमीटर। ये दो तरीके हैं 1 square decimeter को डिनोट करने के, sq.decimeter का शॉर्ट फॉर्म dm या 1 dm² आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब इसका कन्वर्जन देखते हैं। 1 dm क्या होता है, 1 dm होता है 10 cm। तो 1 dm² क्या हो जाएगा 1 dm × 1 dm। तो ये हो जाएगा 10 cm × 10 cm। तो ये हो जाएगा 100 × 10 cm². तो 1 dm² को आप बोल सकते हो 1 dm² इज इक्वल टू 100 cm². ये हो गया। अब इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कहूँगा तो 1 dm कितना होता है 1 dm 10 cm होता है, मतलब 100 mm हो जाएगा 100 mm। तो 1 dm² कितना हो जाएगा 1 dm × 1 dm होगा ये।
तो ये लिख सकता हूँ मैं 100 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 10^4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 decimeter स्क्वायर का आप बोल सकते हो 1 decimeter स्क्वायर इज 10^4 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर के साथ इसका कन्वर्जन देखते हैं, तो 1 decimeter इज इक्वल टू 0.1 meter होता है। तो 1 decimeter स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.1 meter इंटू 0.1 meter, तो ये हो जाएगा 10^-2 मीटर स्क्वायर, और इसको डिनोट कर सकते हैं 0.01 meter स्क्वायर। तो 1 decimeter स्क्वायर होता है आइदर 10^-2 मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या सेम इसी को 0.01 meter स्क्वायर बोल सकते हो। तो ये 1 decimeter हो गया, 1 decimeter स्क्वायर या 1 square decimeter हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मीटर स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर डेसीमीटर पढ़ लिया, तो हमें पता है ये क्या है, एरिया की यूनिट है, यूनिट ऑफ एरिया, ये हमें पता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कितना अमाउंट, कितना एरिया होता है, कितना रीजन होता है एक स्क्वायर मीटर के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एरिया एनक्लोज विद इन द बाउंड्रीज, द BOUNDARIES within the boundaries of a square, per square of edge length, of square की edge length कितनी है, edge length is equal to 1 meter, edge length 1 meter, METR। तो ये area, अगर हमारे पास एक square है जिसकी edge length है 1 meter, तो ये जो area enclosed within the square है इसको हम बोलते हैं 1 square meter। तो 1 square meter कैसे लिख सकते हैं हम, तो ये हमें पता है अगर एक स्क्वायर के लिए एज लेंथ ए है, तो ए को अगर एज लेंथ ए है तो इसका एरिया होता है ए इंटू ए विच इज़ ए स्क्वायर। तो अब हमारी गिवन एज लेंथ कितनी है 1 meter, तो 1 meter इंटू 1 meter क्या हो जाएगा 1 meter स्क्वायर, और 1 square meter। तो ये दो तरह से हम डिनोट करते हैं, 1 square meter या 1 meter square। अभी आप बोलोगे कि हमने कहीं मीटर की स्पेलिंग पढ़ी है METRE, एंड कहीं हमने पढ़ी है स्पेलिंग METER, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही स्पेलिंग सही है, बस ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज इंग्लिश ही है पर इंग्लिश के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। तो दिस इज द ब्रिटिश स्पेलिंग PRITIS, एंड दिस इज द अमेरिकन स्पेलिंग, दिस इज द अमेरिकन स्पेलिंग AMERICAN, अमेरिकन। तो ये दो स्पेलिंग, दोनों का मतलब वही है, बस ये दो अलग अलग स्पेलिंग है। तो आप कन्फ्यूज मत हो, कहीं आपको अगर सेंटीमीटर कहीं सेंटीमीटर ऐसे लिखा मिल जाए आपको, या आपको कहीं decimeter ये दोनों फॉर्मेट में अगर मीटर लिखा हो तो चलता है, वो सेम ही मतलब कर। तो अब हमने इसके नोटेशन देख लिए, 1 meter square आप ऐसे लिख सकते हो, या 1 square meter आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम देखेंगे इसके रिलेशन विद अदर यूनिट्स ऑफ एरिया, दैट आर मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 1 meter square इंटू 1 meter, 1 meter square से शुरू करते हैं, 1 meter square इज इक्वल टू 1 meter इंटू 1 meter। तो 1 meter को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 decimeter, एंड अगले 1 meter को भी 10 decimeter लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 decimeter square। तो 1 meter square इज इक्वल टू 100 decimeter square। 1 meter square को और क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर 1 meter square को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 meter is 100 centimeter, यहाँ हमारा 1 meter इज इक्वल टू 10 decimeter था, decimeter। तो ये हो गया 100 centimeter, तो ये हो जाएगा 10^4 centimeter square। एंड सिमिलरली अगर हम square में कन्वर्ट करना चाहें
1 meter square को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 meter square is equal to 1 meter into 1 meter. And 1 meter को मैं लिख सकता हूँ 1000 millimeter. 1000 millimeter लिख सकता हूँ. तो 1000 millimeter into 1000 millimeter. 1000 millimeter. तो ये हो जाएगा 10^6 millimeter square. तो ये तीन कन्वर्जन हमने देखे. 1 meter square को डेसीमीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया तो 10^2 decimeter या 100 decimeter square आया था. 1 meter square को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते तो 10^4 centimeter square होता है. एंड 1 meter square को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते तो 10^6 millimeter square होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डेकामीटर के बारे में पढ़ेंगे. तो एक 1 square decameter देखेंगे. एंड 1 decameter square, 1 decameter square इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? एयर, ए आर, एयर से भी डिनोट करते हैं. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एरिया की एक और यूनिट देखेंगे, दैट इज ए आर, एयर. द एरिया ऑफ रीजन फॉर्म्ड बाय स्क्वायर ऑफ साइड 1 decameter. तो 1 decameter को हम कैसे डिनोट करते हैं? 1 dam से. इज कॉल्ड एन एयर, इज कॉल्ड एन एयर एंड रिटर्न इज 1 decameter square और 1 air. तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर एरिया है जिसकी साइड लेंथ क्या है? 1 decameter. तो 1 decameter अगर इसकी साइड लेंथ, अब देख सकते हैं मैंने मीटर की अलग स्पेलिंग यूज़ की है क्योंकि दोनों ही सही स्पेलिंग है. 1 decameter, इसको 1 dam से भी, dam से भी डिनोट करते हैं. तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है 1 decameter का, तो इसका जो एरिया enclosed होगा, एरिया enclosed within the square is called air. और 1 decameter square, तो ये हो जाएगा 1 decameter into 1 decameter is equal to 1 decameter का square. 1 decameter square, और इसको मैं बोल सकता हूँ 1 air, air. तो air हम usually use करते नहीं है, हम एयर यूनिट ही कम यूज़ करते हैं. हम यूजुअली मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में काम करते हैं. पर अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि 1 decameter square या 1 air इज द एरिया, देन हमें पता होना चाहिए कितना होता है. 1 decameter क्या होता है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए. तो 1 decameter होता है 10 meter. 1 decameter कितना होता है? 10 meter. तो हम इसकी मदद से अभी कन्वर्जन करेंगे सारे. 1 decameter square को मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 decameter square. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 decameter into 1 decameter. ये मैं लिख सकता हूँ. हमें पता है 1 decameter कितना होता है? 10 meter होता है. तो ये हो जाएगा 10 meter into 10 meter. तो ये हो जाएगा 100 10 into 10 100 एंड मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर. तो 1 decameter square, 1 decameter square कितना होता है? 100 meter square. तो इसको 1 air भी बोलते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं? 1 air. 1 air इज 100 meter square. अब नेक्स्ट कन्वर्जन सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 decameter को लिख सकता हूँ, 1 decameter square को लिख सकता हूँ मैं 1 decameter into 1 decameter. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 decameter कितना हो जाएगा? 1 meter is 100 centimeter. तो 10 meter कितना हो जाएगा? 1000 centimeter. तो 1 decameter is 10 meter, तो ये हो जाएगा 1000 centimeter. 1000 centimeter into 1000 centimeter. तो 1 decameter का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10^6 centimeter square. 1 decameter का स्क्वायर इज इक्वल टू 10^6 centimeter square. ये एक कन्वर्जन हो गया. अब मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 decameter square इज इक्वल टू 1 decameter into 1 decameter. ये मैं लिख सकता हूँ, मुझे ये पता है 1 decameter इज इक्वल टू 1000 centimeter. तो ये 10,000 millimeter होता है. 10,000 millimeter, 10,000 millimeter हो गया. तो 1 decameter square क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 decameter square इस 10,000 millimeter into 10,000 millimeter. 10^4 millimeter into 10^4 millimeter. तो ये हो जाएगा 10^8 millimeter square. तो ये
एक और यूनिट हो गई हमारी कंप्लीट, 1 डेकामीटर स्क्वायर जो होते 10^6 cm² या 10^8 mm² या 10^2 m, 100 m² भी होती है डेकामीटर। तो ये 3 कन्वर्जन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में टेर पढ़ो। अभी हमने क्या पढ़ा, 1 डेकामीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 एयर। हमने अभी 1 एयर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 हेक्टेयर पढ़ेंगे। एयर एक्चुअली बहुत कम यूज़ होने वाली यूनिट है, पर विलेजेस में फील्ड का एरिया निकालने के लिए एक बहुत कॉमन यूनिट क्या है, हेक्टेयर, HECTAR। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हेक्टेयर क्या हो। हेक्टेयर एंड स्क्वायर किलोमीटर। तो पहले हेक्टेयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रीजन फॉर्म्ड बाय स्क्वायर ऑफ साइड 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है 100 m। तो 100 m इज कॉल्ड अ हेक्टेयर, रिटन एज 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर या 1 हेक्टेयर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज कॉल्ड अ हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर लिख सकते हैं या 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। A square kilometer is area of region formed by a square of side 1 kilometer, that is 1000 meter, and is called a square kilometer written as 1 kilometer square. तो अगर हमारे पास एक square है, square की side कितनी है, 100 meter, 100 meter into 100 meter अगर इसकी side है, इस square की, तो इसका area क्या हो जाएगा, इसका area हो जाएगा 1 hectare, और इसको लिख सकता हूँ 1 square hectometer, इस तरह से लिख सकता हूँ, या इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 hectometer square, 1 hm square लिख सकता हूँ। hm इज द नोटेशन फॉर हेक्टोमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। तो हेक्टेयर को क्या लिख सकते हैं, 1 hectometer का square, या इसको लिख सकते हैं 1 square hectometer इन नोटेशन। तो ये 2 नोटेशन हो गई। अब यही स्क्वायर किलोमीटर के लिए करते हैं। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 m। तो 1000 m/1000 m का स्क्वायर है अगर हमारे पास, तो इसका जो एरिया होगा, ये हो जाएगा, ये एरिया 1 square kilometer, ये कितना हो जाएगा, 1 square kilometer, meter। इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, 1 square kilometer या 1 kilometer square, ये 2 वे में मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, 1 kilometer square या 1 square kilometer। अब आगे हम देखेंगे इनके कन्वर्जन इनटू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एरिया। तो सबसे पहले 1 हेक्टेयर के लिए करते हैं। तो हेक्टेयर क्या होता है, 100 m × 100 m, 100 m × 100 m का एरिया होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10^4 m², 10^4 m² हो जाएगा। तो 1 हेक्टेयर इज 10^4 m². इसको 100 m को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 m को लिख सकता हूँ 100 × 100, 1 m इज 100 cm, तो ये हो गया 100 × 100 cm × 100, देन 1 m को अगेन 100 cm लिख सकता हूँ, तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10^4 cm इंटू 10^4 cm, तो हो जाएगा 10^8 cm². तो 1 हेक्टेयर की ये 2 कन्वर्जन हो गए, 10^4 m² या 10^8 cm². इसको हम मिलीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 m है हमारे पास, 100 m, एंड हर 1 m इज 10^3 mm, तो इंटू अगेन 100 m है हमारे पास, तो 100 × 10^3 mm, तो ये हो जाएगा 10^5 mm इंटू 10^5 mm, तो ये हो जाएगा 10^10 mm². तो 1 हेक्टेयर इज 10^10 mm²,
तो ये हेक्टेयर के कन्वर्जन हो गए। अब हम 1 स्क्वायर किलोमीटर के कन्वर्जन देखते हैं। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर लिखते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के कन्वर्जन करने तो हमें पता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 मीटर होता है। तो अब मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज 1 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को मैं 10^3 मीटर लिख सकता हूँ, 10^10^3 मीटर तो हो जाएगा 10^6 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर इज 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10^6 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे मेरे पास आ जाएगा, अगर एक्स मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा 10^4 × x इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब 10^6 मीटर स्क्वायर है मेरे पास, ये हो जाएगा 10^6 × 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10^10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन होगा। ये यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर इस 10^6 मीटर स्क्वायर एंड 1 किलोमीटर स्क्वायर इस 10^10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मिलीमीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना बहुत अननेसेसरी है, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर बहुत छोटी यूनिट है एंड किलोमीटर स्क्वायर बहुत बड़ी यूनिट है। इसको रेदर अपन हेक्टेयर में कन्वर्ट करके देखते हैं कितना होता है। तो हमें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, तो ये 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो। एंड हमें पता है 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर इज 100 मीटर। तो अब मैं 1 किलोमीटर को लिख सकता हूँ 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर को 10 हेक्टोमीटर लिख सकता हूँ। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 किलोमीटर × 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर × 10 हेक्टोमीटर, तो ये हो जाएगा 100 हेक्टोमीटर का स्क्वायर, बोल सकता हूँ 100 हेक्टेयर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन हेक्टेयर में क्या होता है, 100 हेक्टेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेरीमीटर एंड एरिया देखेंगे एक रेक्टेंगल का। डिस्कस करेंगे, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, बस रिवाइज करेंगे। तो अगर रेक्टेंगल की लेंथ है एंड ब्रेथ भी है, लेंथ एल है एंड हमारी रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है, बी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है। पेरीमीटर आप देख सकते हैं, ये लेंथ भी एल होगी एंड ये लेंथ भी बी होगी। तो पेरीमीटर होता है क्या है, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो हो जाएगी 2 times ऑफ एल प्लस बी, ये पेरीमीटर हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ये हो जाएगा एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर हो गया 2 times ऑफ एल प्लस बी एंड एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। अब रेक्टेंगल कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें एरिया गिवन है तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ हो जाएगा एरिया बाय ब्रेथ। या अगर हम ब्रेथ निकालनी है एंड एरिया एंड लेंथ पता है हमें, तो एरिया बाय लेंथ कर देंगे तो ब्रेथ आ जाएगी। अब अगर मैं रेक्टेंगल को नेम कर दूँ ए बी सी डी, तो हम जो डी बी डी मैंने बनाया है, जो मैंने बी डी ड्रॉ किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई रेक्टेंगल की एंड पेरीमीटर एंड एरिया हो गया रेक्टेंगल का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर के लिए सेम पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर अगर हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए।
डीए एंड एंगल एंगल एबीसी, इसको एंगल एबीसी की जगह एंगल बी बोल देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सारे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंड ये जो सारी साइड्स है वो इक्वल होती है। ये हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो अब स्क्वायर का पैरीमीटर एंड एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप देख सकते हैं हमें सिर्फ एक ही एज लेंथ पता होनी चाहिए। अगर हमें एक एज लेंथ पता है तो क्योंकि सारी एज लेंथ सेम है तो ये ए हो जाएगी सारी, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 4a एंड एरिया हो जाएगा ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है, जब सारी साइड लेंथ बराबर है तो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम रेक्टेंगल के एरिया के पैरीमीटर के फॉर्मूले 2 times ऑफ एल प्लस बी में एल इक्वल टू बी कर दें तो हो जाएगा, एल इक्वल टू बी कर दूं मैं तो हो जाएगा 4 times ऑफ बी प्लस बी, एल इक्वल टू बी कर दिया तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 times ऑफ बी प्लस बी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 times ऑफ बी। आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ। एंड एरिया के लिए भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, अभी मैं दोनों एल एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए इंटू ए एंड वो आ जाएगा ए स्क्वायर के। तो ये हमारे पैरीमीटर एंड एरिया हो गया स्क्वायर का। अब हमें अगर डायगोनल कैलकुलेट करना है, डायगोनल लेंथ ए सी कैलकुलेट करनी है तो वो होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2√a², तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ सॉरी ये गलती से मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2√a² एंड इसमें से अब मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मेरी जो ए सी डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसकी लेंथ ए सी की लेंथ हो जाएगी ए रूट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ रूम देखेंगे। से इसको नाम दे देते इस कॉर्नर, अब इस रूम के वर्टेसिस को हम नाम देते हैं, तो ए बी सी डी ए बी सी डी एंड इसको बोल देते हैं डब्लू एक्स वाई एंड जेड, तो ये हमने सारे वर्टेस को नाम दे दिया। तो अब हमें 4 walls का एरिया निकालना है, तो 4 walls कौन सी है, 4 walls है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वॉल हो गई, देन सेकेंड वॉल है B W X C, then third wall है W X Y Z and fourth wall है A Z Y D, A Z Y D, तो ये हो गए 4 walls हमारे। अब हमें इनका एरिया निकालना है, तो अब हम इसे एक रेक्टेंगल ज़ूम कर लेते हैं, तो इसको मैं लेंथ बोल देता हूँ, इस साइड को ब्रेथ बोल देता हूँ एंड इस साइड को मैं हाइट बोल देता हूँ। तो हम ये ए बी डब्ल्यू जेड एंड सी एक्स वाई डी इनको क्या बोलेंगे, ये रूफ हो जाएगा, ये रूफ हो जाएगा एंड ये फ्लोर हो जाएगा, ये फ्लोर हो गया एंड ये रूफ हो गया। तो अब ये 4 walls पे नहीं आता, ये हमारा रूफ हो गया एंड ये हमारा फ्लोर है। तो बाकी सारी फेसेस का हमें एरिया निकालना है, कंबाइंड एरिया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी का एरिया कंसिडर करते हैं। तो ए बी सी डी इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में आप देख सकते हैं ए बी सी डी में एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है एंड ए बी सी डी के डायमेंशंस क्या है, बी इंटू एच, इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। अब सिमिलर एरिया आप देख सकते हैं ए बी सी डी के पैरेलल एक फेस है डब्लू एक्स वाई जेड, ये वाला जो फेस है इसका भी एरिया यही होगा, तो इसका एरिया W X Y Z इसका भी एरिया यही होगा। सेकेंड हम कंसिडर करेंगे B W X C को एंड इसका एरिया इक्वल होगा A Z Y D के, क्योंकि ये पैरेलल फेसेस है। तो आप देख सकते हैं रूम, अगर आप आसपास अपने ही आसपास रूम को देखें तो दो पैरेलल जो वॉल्स है उनका एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, अगर हम उस पर से सारे प्रोजेक्शन हटा दें, मतलब उसमें अगर कोई विंडो या कुछ
बाहर आउट बाहर निकला हुआ कुछ है उसको हटा दे तो हम देख सकते हैं कि पैरेलल फेसेस का एरिया सेम होगा क्योंकि उनके डायमेंशन सेम है। तो अब हम डायग्राम में देख सकते हैं बी डब्ल्यू एक्स सी, बी डब्ल्यू एक्स सी को मैं अगर देखूँ यह बी डब्ल्यू एक्स सी, तो एल इंटू एच डायमेंशन का एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। तो अब एरिया हम फोर वॉल्स का लिखेंगे तो फोर वॉल्स का एरिया हो जाएगा फोर वॉल्स का एरिया एरिया ऑफ फोर वॉल्स टू टाइम्स ऑफ बी इंटू एच प्लस टू टाइम्स ऑफ एल इंटू एच, तो ये हो जाएगा टू एच टाइम्स ऑफ बी प्लस एल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया फोर वॉल्स का एरिया निकालने के लिए, टू टाइम्स ऑफ हाइट इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ ऑफ द रूम। तो ये ब्रेथ प्लस लेंथ कौन सी है, अगर आप रूम को टॉप व्यू में देखो तो टॉप व्यू में आपको रूम एक रेक्टेंगल दिखेगा, तो इसकी एक साइड ब्रेथ है इसकी एक साइड लेंथ है, एंड हाइट अंदर के साइड प्रोजेक्शन में, अगर आप रूम को ऊपर से देखो तो अंदर की तरफ डेप्थ है, पेपर के अंदर हाइट है इसकी, या पेपर के बाहर आप बोल सकते हो। तो ब्रेथ इंटू लेंथ इसके फ्लोर का एरिया हो जाएगा एंड टू टाइम्स ऑफ हाइट आएगा, ब्रेथ इंटू लेंथ फ्लोर का एरिया होगा, ब्रेथ प्लस एल तो कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है पर ब्रेथ एंड एल फ्लोर की डायमेंशन दो, तो ये दोनों डायमेंशन डायमेंशन डायमेंड एस आई डायमेंशन ऑफ फ्लोर एफ एल हुआ, ये फ्लोर की डायमेंशन है बी इंटू एल एंड ये हाइट ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम, तो ये एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आ जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हाइट ऑफ द रूम गिवन है हमें 3 meters, लेंथ हमें पता है 5 मीटर है रूम की एंड ब्रेथ हमें पता है 4 मीटर है। तो अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट कितनी है हमारी 3 मीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 4 एंड लेंथ है 5, तो ये हो गया ये 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 9 3 इंटू 9 होता है 27 इंटू 2 कर देंगे तो 54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसमें हाइट भी मीटर में एंड ब्रेथ एंड लेंथ ये सब भी मीटर में, तो ये हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम रेक्टेंगल के एरिया पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। Of one side of it is 48 meter and its diagonal is 50 meter. तो इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, तो हमने डायग्राम बना लिया जैसे ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, तो हमें पता है वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 48 मीटर, तो कोई भी एक साइड को हम 48 मीटर बोल देते हैं एंड हमें पता है इसका डायगोनल है 50 meters तो अच्छे से लिख लेते हैं 50 meters, तो हमें पता है डायगोनल डायगोनल, अगर इसको मैं लेंथ बोल देता हूँ तो दूसरी साइड को ब्रेथ बोलेंगे, तो डायगोनल की लेंथ हमें पता होती है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमें पता है ये डायगोनल की लेंथ है, तो अगर इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा डायगोनल डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो 50 मीटर का स्क्वायर इज 50 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर है 2304 हो गया 48 का स्क्वायर, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये बी स्क्वायर के इक्वल है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196 आ गई, तो अब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 196, तो ये हो जाएगा 14 meters, B की लेंथ हमारी आ गई 14 meters, B इज इक्वल टू 14 meters। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ है 48 एंड ब्रेथ है हमारे पास 40 मीटर में है दोनों, तो एरिया आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 48 meters इनटू 14 meters, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 672 मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो
तो ये हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ द प्लॉट इज 672 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ एल है एंड ब्रेथ वी, हमने डिनोट कर दी। तो हमें पता है पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी दिस इज 100 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें पता है लेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 35 पता है, 35 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड इट्स ब्रेथ एंड फाइंड द एरिया, तो ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एल की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में एल की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल प्लस बी की वैल्यू 50 आ जाएगी, 100 बाई 2, तो 50 सेंटीमीटर। एल कितना है 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, बी इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 50 आएगा, 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर 50, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 15 सेंटीमीटर, 50 माइनस 35। तो अब मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास एल है 35 सेंटीमीटर एंड बी है 15 सेंटीमीटर, तो मैं एरिया लिख सकता हूँ। एरिया क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, एल कितना है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ द शीट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ द शीट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर और क्वेश्चन। डोर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर इज ऑन अ वॉल। तो एक वॉल है जिसके ऊपर 1 मीटर का डोर, 1 मीटर लेंथ है, 0.5 मीटर ब्रेथ का डोर लगा हुआ है। तो लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमारा रेट क्या है वाइट वॉशिंग का, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा वॉल का एंड कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगा। वाइट वॉशिंग एक पेंट टाइप्स होता है, तो पेंट के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो वॉल है, ये हमारे पास वॉल है, तो इसका एरिया निकालना। पर इसमें प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसे डायरेक्ट हम लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे एक डोर है, डोर जिसकी लेंथ L1 है एंड ब्रेथ B1 है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें डोर पे वाइट वॉश नहीं करना, हमें सिर्फ वॉल पे वाइट वॉश करना है। तो हमारे वॉल के डायमेंशंस है, वॉल के डायमेंशंस है लेंथ है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ है 3.6 मीटर एंड डोर है हमारे पास एक डोर, उसके डायमेंशंस है, डोर के लेंथ L1 से डिनोट कर रहा हूँ तो 1 मीटर एंड ब्रेथ है 0.15 मीटर। तो हमें वॉल के एरिया में से डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उस एरिया में हमें वाइट वॉशिंग है। तो आप देख सकते हैं ये वॉल बना है, वॉल के एरिया में से डोर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डोर के डोर पे हम वाइट वॉश नहीं करेंगे, तो यहाँ हम वाइट वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ ये ग्रीन वाले एरिया में हमें वाइट वॉश करना है। इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। तो इस एरिया को हमें अगर निकालना है ग्रीन वाले एरिया को, तो मैं क्या करूँगा, वॉल के एरिया में से मैं लिखूंगा WHIT वाइट वॉश, एरिया ऑफ वाइट वॉश, एरिया ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। अब आप देख सकते हैं वॉल एंड डोर दोनों रेक्टेंगल है, तो एरिया क्या होगा, वॉल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ एंड डोर का L1 इनटू E1 होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ ही है, पर वो डोर के लेंथ एंड डोर की ब्रेथ है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो एरिया ऑफ वाइट वॉश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 मीटर 0.5 मीटर, तो 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर कितना आ जाएगा, ये तो 0.5 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। इन 4.5 इंटू 3.6 मैं करूंगा 3.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.2, तो ये आ जाएगा 16.2 एंड मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इंडिया आएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15.7 मीटर स्क्वायर। अब हमें 15.7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वाइट वॉश आ गया, एरिया ऑफ वाइट वॉश पर
हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ वाइट वॉश इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉश कितना है, तो एक मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 15.7 × 20। तो ये हो जाएगा 157 × 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 314 रुपीज़। तो हमारा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश कितना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश आ जाएगा हमारे पास 314 रुपीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 30 मीटर बाय 28 मीटर। तो एक लॉन है जिसपे ग्रास है, तो उसकी डायमेंशंस क्या है, 30 मीटर बाय 20 मीटर। तो ये साइड है इसकी 30 मीटर एंड ये साइड है इसकी 28 मीटर। इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। तो जो पाथ है बाहर वो 2 मीटर वाइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हमें इसका पाथ का एरिया निकालना है क्योंकि हमें लेवलिंग पाथ भी करनी है। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, पाथ को लेवल करना है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो पर पहले हमें पाथ का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, पाथ का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो पाथ को हम 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें एंड उसका एरिया निकाल लें, या हम क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ पाथ इसको मैं बोल सकता हूँ ए बी सी डी बाहर वाला रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी का एरिया माइनस लॉन का एरिया। ये आप देख सकते हैं ए बी सी डी के पूरे एरिया में से अगर मैं लॉन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो पर ए बी सी डी के डायमेंशंस नहीं पता, तो ए बी सी डी के डायमेंशंस कैसे निकालूंगा। आप देख सकते हैं ये 30 मीटर है, ये जो मैं लेंथ कर रहा हूँ ये पैरेलल है लॉन के एंड लॉन की लेंथ की इक्वल है 30 मीटर है। एंड हमें पता है पाथ इज 2 मीटर वाइड, ये हमें गिवन है। तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर एंड इस साइड भी ये 2 मीटर है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 34 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली मैं इधर करूँगा तो ये 28 मीटर है, ये यहाँ पे 28 मीटर। अब 2 मीटर का पाथ इधर एंड 2 मीटर का पाथ इधर, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, AD ये हो जाएगी 28 + 2 + 2 = 32 मीटर। तो AB मैं बोल सकता हूँ AB इज 34 मीटर एंड BC इज 32 मीटर। तो एरिया ऑफ ABCD एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 34 × 32। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 32 × 34 की वैल्यू आ जाएगी 1088 मीटर स्क्वायर। ये आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ABCD मेरे पास आ गया 1088। अब एरिया ऑफ लॉन निकालना है, तो एरिया ऑफ लॉन तो एरिया ऑफ लॉन क्या है, 30 × 28 इसको अच्छे से लिखते हैं, तो 30 मीटर × 28 मीटर। तो 30 मीटर × 28 मीटर कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 × 28 विच इज़ 840 मीटर × मीटर स्क्वायर। तो यह हमारे पास एरिया ऑफ ABCD आ गया एंड एरिया ऑफ लॉन आ गया। तो अब इसका मैं अगर डिफरेंस ले लूँगा तो मैं एरिया ऑफ लॉन लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ लॉन नहीं हमें पाथ चाहिए ना, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ लॉन। ये इक्वेशन हमें पता है, ये हमने डायग्राम में देखा। तो 1088 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 840, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 248 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब हमें पता है ₹5 per meter square इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग LEVLLING पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, ₹5 per meter square है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग
केस में एल ई वी डबल एल आई एन जी कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया ऑफ पाथ तो ये क्या हो जाएगा फाइव इंटू 248 क्योंकि 5 रुपीज़ है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर इंटू 48 मीटर स्क्वायर इज द एरिया तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है रुपीज़ 5 पर मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया कितना है 248 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा रुपीज़ 1240 तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पे एक और क्वेश्चन करें। इस 30 मीटर बाय 20 मीटर इसका डायग्राम हमने बना लिया ये 30 मीटर है एंड ये 20 मीटर है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर है एंड लॉन की लेंथ कितनी है 30 मीटर तो लॉन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 30 मीटर है। इफ इट हैज़ टू रोड्स ईच 2 मीटर वाइड दो रोड्स हैं 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ तो अगर 30 मीटर लेंथ है लॉन की लेंथ 30 मीटर है एंड ब्रेथ है 20 मीटर तो एक रोड जा रही है जो लेंथ के पैरेलल है एंड इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर एंड सेकेंड रोड है जो ब्रेथ के पैरेलल जा रही है ब्रेथ के पैरेलल जा रही है तो ये है एंड इसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स तो नेट एरिया ऑफ द रोड्स कैलकुलेट करना है तो आप देख सकते हैं ये दो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं एक रेक्टेंगल जो मैं ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ एंड दूसरा रेक्टेंगल जो मैं पिंक में हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये दो रोड्स फॉर्म हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ नेट एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू अगर ब्लू वाले एरिया बोलूँ तो रोड इसको वन से डिनोट करते हैं तो रोड वन का एरिया प्लस रोड टू का एरिया अगर इसको टू से डिनोट करूँ तो प्लस रोड आर ओ ए डी रोड टू का एरिया बट दिस इज़ नॉट इट क्यों क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये दो बार काउंट हो गया क्यों क्योंकि ये रोड वन में भी है रोड टू में भी है तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो इसको सब्ट्रैक्ट में लिख देते हैं माइनस हमें करना पड़ेगा ये ग्रीन में हाईलाइटेड एरिया तो इसको ग्रीन में लिखते हैं कॉमन सेक्शन लिख देते तो इसको कॉमन सेक्शन बोल देते तो माइनस कॉमन सेक्शन तो अब रोड वन के लिए देखते हैं रोड वन को सबसे पहले देखें तो रोड वन के आप देख सकते हैं लेंथ है 30 मीटर एंड ब्रेथ है 2 मीटर तो रोड वन के लिए मैं करता हूँ रोड वन है लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर एल वन एंड ब्रेथ है 2 मीटर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रोड वन इज इक्वल टू एरिया वन से डिनोट कर रहा हूँ 30 मीटर इंटू 2 मीटर विच इज 60 मीटर स्क्वायर अब रोड टू के लिए करता हूँ मैं तो रोड टू ये ब्रेथ के अलॉन्ग थी लॉन के तो लॉन की ब्रेथ कितनी थी 20 मीटर तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी ब्रेथ ऑफ रोड टू इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ या अब इसे लेंथ बोलते हैं क्योंकि दिस इज़ द लॉन्गर साइड तो इसको लेंथ ऑफ रोड टू बोलते हैं एंड ब्रेथ ऑफ रोड टू हो जाएगी 2 मीटर है यहाँ पे एंड ब्रेथ ऑफ इसको अच्छे से लिख लेते हैं पूरे वैल्यूज़ को तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ रोड टू इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रोड टू इज इक्वल टू 2 मीटर तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये हो जाएगा 20 मीटर इनटू 2 मीटर तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर तो ये एरिया वन एंड एरिया टू आ गए हमारे अब हमें कॉमन सेक्शन निकालना है कॉमन सेक्शन क्या है दोनों रोड के इंटरसेक्शन से फॉर्म हुए तो कॉमन सेक्शन आप देख सकते हैं कॉमन सेक्शन का लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 2 मीटर का है लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 2 मीटर का है तो ये एक स्क्वायर है
विथ 2 मीटर लेंथ, साइड लेंथ 2 मीटर। तो कॉमन सेक्शन के एरिया को लिखेंगे, स्क्वायर है ये स्क्वायर, विथ एज लेंथ क्या है 2, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 मीटर यहाँ पे। तो एरिया हो जाएगा a into a विच इज 2 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें रोड 1 का एरिया पता है, रोड 2 का एरिया पता है, एंड कॉमन सेक्शन का एरिया पता है। रोड 1 का एरिया कितना है 60 मीटर स्क्वायर, रोड 2 का एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, एंड कॉमन सेक्शन का एरिया हमने अभी निकाला 2 मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज कितना है, एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर है कॉमन सेक्शन का एरिया। तो अब इन पहले 60 + 40 कर देंगे एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ नेट एरिया लिखते हैं पहले, नेट एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर + 40 मीटर स्क्वायर - 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर - 4 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिराइव करेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहिए, थोड़ा हमारे पास से पैरेललोग्राम है,